हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूपीएल के शेयर के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ये जो शेयर है अभी अप ट्रेंड बना रहा है या फिर डाउन ट्रेंड बना रहा है। अगर ये अप ट्रेंड बना रहा है तो कितने परसेंट तक का गेन किया है, और अगर ये डाउन ट्रेंड बना रहा है तो ये कितने परसेंट से डाउन में चल रहा है। और गाइस, इसमें हम पिछले दिन का भी सेंटिमेंट क्लियर करेंगे कि ये पिछले दिन बुलिश था या फिर बेयरिश था। और गाइस, इसमें हम मैं नेक्स्ट डे का भी सेंटिमेंट आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ कि अगले दिन कौन से ये सिग्नल आपको प्रोवाइड कर सकता है, बुलिश का या फिर बेयरिश का। तो गाइज, अगर आप इस तरह के लेटेस्ट न्यूज हमेशा चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइज, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और नेक्स्ट डे का सेंटिमेंट क्लियर करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ ये 3 पॉइंट्स डिस्कस किया है। गाइज, नंबर फर्स्ट में मैंने आपके साथ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट के कैंडल के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर किया है। और गाइज, नंबर सेकंड में मैंने फिर से आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर किया है, बट गाइज ये मैंने 1 डे के कैंडल के चार्ट पे गाइज आपको क्लियर किया है, वो भी स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो गाइज यहाँ पे फोकस कर सकते हैं आप अपने नेक्स्ट डे सेंटिमेंट के लिए, यानी कि नेक्स्ट डे सिग्नल्स के लिए। और गाइस, नंबर थर्ड है मैंने आपके साथ RSI और MACD कंफर्म किया है। गाइस, यहां से आपको क्लियर कंफर्म होगा गाइस कि ये सिग्नल जो है हमें बाई के मिल रहे हैं या फिर सेल के मिल रहे हैं, यानी कि अगले दिन बुलिश हो सकता है या फिर बेयरिश ट्रेंड। तो गाइस, यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं ये सारे पॉइंट्स के माध्यम से, तो आप वीडियो में तक बने रहें और साथ साथ गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइज, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडर्स हों, आप यहाँ पे यानी कि इस चार्ट पे फोकस जरूर करें। मैंने 15 मिनट के कैंडल के साथ जो है यूपीएल का चार्ट लगा रखा है। और गाइज, आप देख सकते हैं ये जो शेयर है गैप अप ओपनिंग के बाद भी गाइज ये शेयर आपको देख सकते हैं काफी नीचे तक आया है, यानी कि -1.56% से ये जो शेयर है आज डाउन ट्रेंड बनाया है। और आप देख सकते हैं गाइज, गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसने 3 दिन कैंडल तो बेयरिश के बनाए, लेकिन फिर से गाइज आप देख सकते हैं 3 कैंडल इसने बुलिश के भी बनाए हैं। लेकिन बाद गाइज देख सकते हैं उसके बाद ये शेयर आपको थोड़े कंसोलिडेशन के बाद काफी क्लियरली आप देख सकते हैं वोलेटिलिटी के साथ ये शेयर आपको गिरता नजर आ रहा है। लेकिन लेकिन गाइज आप देख सकते हैं लास्ट कैंडल होते होते इसने आपको बुलिश के, यानी कि गाइज ट्रेंड रिवर्सल के इसने आपको यहाँ पे संकेत दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर से इसने आपको बेयरिश कैंडल ही प्रोवाइड कराया है। तो गाइज हो सकता है जैसा कि ये आपको ट्रेंड रिवर्सल के बाद आपको बेयरिश कैंडल का ही चांस मिल रहा है, गाइज बेयरिश कैंडल आपको देखने को मिला है। तो गाइज अगर इसको लेकर चले तो हो सकता है अगले दिन आपको फिर से बेयरिश कैंडल ही देखने को मिल सकते हैं। गाइज अगर इसके पिछले दिन का सेंटीमेंट देखा तो आप देख सकते हैं गाइज ये पिछले दिन भी गाइज आपको ये डाउन ट्रेंड ही बनाया था। आप देख सकते हैं इसने ओपनिंग के बाद जो है दो दो बुलिश तो बनाया, लेकिन उसके बाद जो शेयर आपको गिरा गाइज आप देख सकते हैं काफी नीचे तक ये शेयर आया था। तो गाइज पिछले दिन भी ये शेयर आपको गिरता हुआ ही दिखा था, लेकिन अगर उसके पिछले दिन की बात करें तो उसने अप थोड़ा बनाया था, लेकिन गाइज आप 2 दिनों से देख रहे हैं ये शेयर आपको गिरता ही नजर आ रहा है। तो गाइज अगर नेक्स्ट डे सेंटीमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं गाइज मैंने CPR का चार्ट लगा रखा है, और गाइज मैं इसी से आपको कंफर्म करने वाला हूँ कि नेक्स्ट डे का सेंटीमेंट क्या हो सकता है, और गाइज मैं आगे भी करूंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं गाइज इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है। गाइज इसने अब सपोर्ट को दो दो बार गाइज इसने ब्रेक डाउन करते हुए काफी नीचे आप देख सकते हैं इसने अपने ट्रेंड को डाउन बनाया है, और इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके काफी नीचे इसने अपने क्लोजिंग भी दी है। तो गाइज अगर अगले दिन फिर से ये बेयरिश कैंडल कवर करता है और गाइस क्लियरली आपको बेयरिश कैंडल अगर देखने को मिलते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं गाइस ये इसके सपोर्ट्स बन रहे हैं। गाइस अगर बेयरिश कैंडल बन रहा है तो 784 के इसके एक टारगेट बन रहे हैं। आप इसको यहां से अगर शॉर्ट सेलिंग करके गाइस काफी अच्छी पैसे अर्निंग कर सकते हैं अगर आपको बेयरिश कैंडल अगले दिन मिलता है तो। और गाइस अगर बाई चांस अगर बुलिश कैंडल मिलता है देखने को तो आप देख सकते हैं गाइस ये अपने अगर ये टारगेट्स को यानी कि 797 का जो इसका गाइस फर्स्ट टारगेट बन रहा है, अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद ही आप इसमें बाइंग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा गाइस, क्योंकि इसके बाद जो है शेयर हो सकते हैं आपको काफी अच्छी वॉलिटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल में गाइस आपको कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, तो गाइस एक कैंडल या फिर 2 कैंडल आपको बुलिश मिलेंगे, लेकिन जब तक गाइस क्लियर ना हो आप इसमें बाइंग ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस मैं आपको इसके टारगेट्स क्लियर करूं तो इसका फर्स्ट टारगेट जो बन रहा था वो 797 का, और गाइस इसका सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो आप देख सकते हैं ये गाइस पूरे पूरे 800 का ही बन रहा है। और गाइस इसके बाद का थर्ड टारगेट बात करूं तो मैं आप देख सकते हैं इसका थर्ड टारगेट जो बन रहा है वो 803 का बन रहा है गाइस, और इसके एक और टारगेट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ तो गाइस इसका एक और टारगेट यानी कि फोर्थ टारगेट बन रहा है वो 807 के बन रहे हैं। तो गाइस काफी अच्छी टारगेट्स आपके सामने क्लियर हो रही है, अगर बुलिश ट्रेंड मिलता है तो गाइस जब तक ये टारगेट क्रॉस ना करे आप इसको बाइंग ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और गाइस अगर बेयरिश कैंडल अगले दिन देखने को मिलती है तो गाइस आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करें, आपको काफी अच्छी आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं अपने सपोर्ट तक जाने तक में। तो गाइज आप अगले दिन यूपीएल के 15 मिनट के कैंडल के साथ जरूर फोकस करें।
तो गाइस अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप यहाँ पे फोकस यानी कि वन डे कैंडल के चार्ट जो चार्ट मैंने लगा रखा है आप यहाँ पे फोकस जरूर कर सकते हैं। और गाइस अगर इंट्रा डे ट्रेडर्स हैं तो थोड़े समय के लिए आप भी कर सकते हैं गाइस अगले दिन सेंटिमेंट के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं इसने आज का जो कैंडल यानी कि लास्ट कैंडल जो इसने बनाया है वो बीरिस का बनाया है गाइस, और इसने अपने टारगेट को अचीव करने के बाद इसने ट्रेंड रिवर्सल दिया और ये जो शेयर है -1.56% से डाउन में चल रहा है गाइस। अगर इसके पिछले दिन का देखें तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों से गाइस इसके करीब करीब यानी कि एक सप्ताह ही बोल सकते हैं ये पिछले एक सप्ताह से गाइस आपको ये कंसोलिडेशन करते हुए शेयर दिख रहा है अपने टारगेट के पास में ही चल रहा है। लेकिन गाइस इसने आपको काफी क्लियरली और अच्छी खासी कैंडल यानी कि बियरिश की कैंडल आपको प्रोवाइड किया है, और आप देख सकते हैं इसने अपने टारगेट को ब्रेक डाउन करते हुए अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ रही है गाइस, जो 756 का इसका फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है। अगर इसी तरह आगे बढ़ता है तो इसका फर्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है इसको अपना अचीव कर सकता है गाइस, और इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो गाइस इसके नीचे काफी नीचे गाइस इसके सेकंड सपोर्ट बन रहा है जो 679 पे बन रहा है, इसको अपना सेकंड सपोर्ट भी बना सकता है। लेकिन गाइस आप देख सकते हैं ये काफी नीचे होने के कारण हो सकता है अपना फर्स्ट सपोर्ट अचीव करने के बाद ही वापस आपको ट्रेंड रिवर्सल दे और अप ट्रेंड क्लियर करे यानी कि टारगेट्स क्लियर करे। और गाइस अगर बाई चांस यहीं से अगर आप अगले दिन आपको बुलिश कैंडल प्रोवाइड करा तो और भी अच्छी बात है गाइस, जो कि इसका फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो 810 पे बन रहा है, और अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो आप देख सकते हैं इसका सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो 833 पे क्लियर हो रहा है। और गाइस अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है यानी कि सेकंड टारगेट को जब ये ब्रेकआउट करता है तो इसका थर्ड टारगेट आप देख सकते हैं जो 864 पे आपके सामने क्लियर हो रहा है। तो गाइज अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें तो आप देख सकते हैं गाइज इसने इसका जो थर्ड टारगेट बन रहा है गाइज 52 वीक हाई पे ही बन रहा है, जो कि इसने करीब एक 2 सप्ताह पहले ही गाइज इसने अचीव किया है 52 वीक हाई को ही। और आप देख सकते हैं इसका 52 वीक हाई जो इसका प्राइस है वो 864.70 का है। तो गाइज हो सकता है इसने अपने 52 वीक हाई को अचीव किया है, उसके बाद इसने थोड़े समय के लिए आपको ट्रेंड रिवर्सल क्लियर किया है यानी गाइस बियरिश कैंडल आपको प्रोवाइड किया, तो हो सकता है आपको एक आध सपोर्ट और अचीव करने के बाद फिर से आपको ये अप ट्रेंड कवर कर सकता है। तो गाइस अगर आरएसआई की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने आरएसआई का जो है ग्राफ लगा रखा है गाइस, आप देख सकते हैं क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये आरएसआई जो गाइस आपको सेल का सिग्नल, सॉरी गाइस ये आपको आरएसआई जो है बाई का सिग्नल इसने प्रोवाइड किया था आपको 21 जून को, सॉरी गाइस 22 जून को इसने बाई का सिग्नल प्रोवाइड किया था क्लियरली, और गाइस ये आपको बाई का सिग्नल देते हुए आपको आपको ये सेल का सिग्नल जो है आपको क्लियरली 29 जून यानी कि कल ही के डेट में इसने आपको सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया गाइस, और ये अभी आपको क्लियरली आरएसआई सेल का सिग्नल क्लियर कर रहा है। तो गाइस आपको देख सकते हैं इसने अभी अभी आपको सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया, तो हो सकता है आरएसआई आपको क्लियर होने तक का यानी कि गाइस आपको क्लियरली और भी सिग्नल क्लियर करने तक का आपको सेल का सिग्नल देता दे सकता है गाइस, तो हो सकता है आपको एक दो कैंडल और फिर से बियरिश का देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस अगर एमएससीडी की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने वन डे कैंडल के साथ जो एमएससीडी का चार्ट लगा रखा है, और आप देख सकते हैं एमएससीडी जो है गाइस आपको ये सेल का सिग्नल ये 9 जून को ही इसने प्रोवाइड किया था गाइस आपको, और ये गाइस क्लियरली अभी तक आपको ये सेल का सिग्नल ही कवर कर रहा है। तो गाइस एमएससीडी आपको पता है कि वन डे कैंडल के साथ लेट सिग्नल देता है, इसलिए हम इसको 4 आवर में कन्वर्ट करके जरूर चेक करते हैं। तो देखिए गाइस मैंने इसे 4 आवर में कन्वर्ट किया और आप देख सकते हैं गाइस आपको क्लियरली एक साथ ही चल रहा है, इसने आपको कवर क्लियर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं आपको क्लियर करता हूँ एमएससीडी को, तो गाइस आप देख सकते हैं एमएससीडी भी आपको क्लियरली 4 आवर में सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर चुका है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं एमएससीडी इस तरह से आपको गाइस क्लियर करता है लेकिन ये आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं कर रहा है, तो हो सकता है गाइस अगले दिन आपको फिर से बेयरिश कैंडल देखने को मिल सकते हैं यानी कि जब तक आरएसआई क्लियर ना हो गाइस हो सकता है आपको बियरिश कैंडल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसने अभी अभी आपको सेल के सिग्नल प्रोवाइड किए हैं। तो गाइस हो सकता है थोड़े समय तक और ये क्लियर करे अपने सिग्नल्स को, तो बियरिश कैंडल गाइस आपको व्यू जरूर हो सकते हैं, अगले दिन आपको फिर से डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि गाइस हमारे जो लगातार अपडेट्स आते रहते हैं जो नए नए वीडियोज में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।